नमस्कार साथियों, झारखंड फाइटर्स में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज का जो सेशन है दोस्तों, बीपीएससी सीडीपीओ का जो प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है दोस्तों, साइंस का, सामान्य विज्ञान का, और उससे हम लोग आज भौतिक विज्ञान फिजिक्स का क्वेश्चन है दोस्तों, जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है दोस्तों। तो एक्चुअली झारखंड में दोस्तों सीडीपीओ का अभी तक एग्ज़ाम हुआ नहीं है, इसलिए इसका प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन झारखंड में है ही नहीं। इसलिए दोस्तों हम लोग बिहार का सीडीपीओ का एग्ज़ाम का जो प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है, उससे हम लोग उसी का क्वेश्चन देख रहे हैं, उसी का पैटर्न से दोस्तों हम लोग क्वेश्चन देख रहे हैं। तो चैनल में जो भी नए लोग होंगे दोस्तों, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और सेशन को लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा। तो दोस्तों चलिए देखते हैं, प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन ये है दोस्तों, बीपीएससी का सीडीपीओ, तो बिहार सीडीपीओ का है दोस्तों। तो चलिए देखते हैं, पहला क्वेश्चन है, विद्युत धारा की इकाई है। तो विद्युत धारा की इकाई क्या है दोस्तों, इसका आंसर हो जाएगा एम्पियर। विद्युत धारा की इकाई क्या है दोस्तों, एम्पियर है। देखिए दोस्तों, ये 68वां बीपीएससी री एग्जाम पीटी 2020 में पूछा गया है। ये जो है दोस्तों, विद्युत धारा के एसआई इकाई जो है एम्पियर है, एक कूलम पर सेकंड के बराबर होता है। यह एक अदिश राशि है। क्या है? अदिश राशि है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न तत्वों में से किसमें न्यूट्रॉन नहीं होता है? तो कौन से तत्व में दोस्तों न्यूट्रॉन नहीं होता है? तो हाइड्रोजन में दोस्तों न्यूट्रॉन नहीं होता है। इसका आंसर हो जाएगा हाइड्रोजन। इसके बारे में कुछ जान लेते हैं दोस्तों। हाइड्रोजन एक परमाणु क्रमांक एक होता है। बोलता है हाइड्रोजन का परमाणु क्रमांक एक होता है। साधारण हाइड्रोजन समस्थानिक प्रोटियम में कोई न्यूट्रॉन नहीं होता है। भारी हाइड्रोजन समस्थानिक ड्यूटेरियम में एक न्यूट्रॉन होता है, जबकि अत्यंत भारी हाइड्रोजन समस्थानिक ट्राइटियम में दो न्यूट्रॉन होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एंगस्ट्रॉम का इकाई पूछा जा रहा है दोस्तों। तो एंगस्ट्रॉम का जो इकाई है वो क्या है? तरंग दैर्ध्य की है। क्या है? तरंग दैर्ध्य की इकाई है एंगस्ट्रॉम। देखिए दोस्तों, एक एंगस्ट्रॉम बराबर होता है 10^-10 मीटर। कितना होता है? 10^-10 मीटर। एक एंगस्ट्रॉम बराबर होता है 10^-10 मीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रकाश वर्ष किसकी इकाई है? तो प्रकाश वर्ष किसकी इकाई है दोस्तों? इसका आंसर हो जाएगा दूरी। किसकी इकाई है? दूरी की इकाई प्रकाश वर्ष है। तो प्रकाश द्वारा एक वर्ष में तय की गई दूरी को हम लोग दोस्तों एक प्रकाश वर्ष कहते हैं। एक प्रकाश वर्ष बराबर कितना होता है? 9.46 × 10^15 मीटर। ये भी इम्पोर्टेंट है दोस्तों। एक प्रकाश वर्ष बराबर कितना होता है? 9.46 × 10^15 मीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, घड़ी में प्रयोग होने वाले क्वार्ट्ज क्रिस्टल होते हैं। तो घड़ी में प्रयोग होने वाले क्वार्ट्ज क्रिस्टल होते हैं, इसका आंसर देखते हैं। इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों सिलिकॉन डाइऑक्साइड का। किसका होता है? सिलिकॉन डाइऑक्साइड। इसके बारे में हम लोग कुछ जान लेते हैं दोस्तों। घड़ी में प्रयोग होने वाले क्वार्ट्ज क्रिस्टल सिलिकॉन डाइऑक्साइड SiO2 होते हैं। यद्यपि प्राकृतिक रूप में इनमें से कुछ रॉक क्रिस्टल और राइनस्टोन के रूप में पाए जाते हैं, वस्तुतः जिनका वाणिज्यिक रूप से उपयोग होता है वे मानव निर्मित होते हैं। क्वार्ट्ज क्रिस्टल का प्रयोग रेडियो टेलीविज़न में भी किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी मूल भौतिक राशि है? तो यहाँ पे पूछा जा रहा है दोस्तों, भौतिक राशि कौन सी मूल है? इसका आंसर हो जाएगा विद्युत धारा जो है दोस्तों, वो क्या है? भौतिक राशि है। इसके बारे में कुछ जान लेते हैं दोस्तों। लंबाई, द्रव्यमान, समय, ताप, विद्युत धारा, ज्योति तीव्रता तथा पदार्थ का परिमाण 7 मूल भौतिक राशियाँ हैं। मूल राशियों के मात्रक एक दूसरे से पूर्णतया स्वतंत्र है तथा इनमें से किसी एक को किसी अन्य मात्रक में बदला अथवा उसे संबंधित नहीं किया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ओम मीटर मात्रक है। तो ओम मीटर मात्रक किसका है जी? किसका है? इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन सी हो जाएगा, प्रतिरोधकता का। किसका है? ओम मीटर जो मात्रक है वो प्रतिरोधकता का मात्रक है। इसके बारे में जान लेते हैं दोस्तों, किसी पदार्थ की विद्युत प्रतिरोधकता
से उस पदार्थ द्वारा विद्युत धारा के प्रवाह का विरोध करने की क्षमता का पता चलता है। कम प्रतिरोधकता वाले पदार्थ आसानी से विद्युत आवेश को चलने देते हैं। इसके एसआई इकाई जो है ओम मीटर है। विद्युत प्रतिरोधकता जो है दोस्तों इस क्या होता है, बराबर आर आर अपॉन ए बाय एल। तो जहां आर हम लोग पदार्थ का विद्युत प्रतिरोध ओम में है और एल जो है दोस्तों पदार्थ के टुकड़े की धारा की दिशा में लंबाई मीटर में है, और ये जो है धारा की दिशा के लंबवत पदार्थ का क्षेत्रफल वर्ग मीटर में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रकाश वर्ष इकाई है। तो प्रकाश वर्ष इकाई है। अभी दोस्तों ये क्वेश्चन हम लोग किए हैं दूरी की, ये रिपीट क्वेश्चन है। देखिए यूपीएससी में ये क्वेश्चन पूछा गया है, सारा क्वेश्चन दोस्तों प्रीवियस ईयर का है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हर्ट्ज में क्या मापा जाता है। तो हर्ट्ज में क्या मापा जाता है दोस्तों, इसका आंसर हो जाएगा आवृत्ति। क्या है, आवृत्ति को मापा जाता है। आवृत्ति का जो एसआई मात्रक है हर्ट्ज है, अर्थात हर्ट्ज में आवृत्ति को मापा जाता है। इसे संकेत एच जेड द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। एक सामान्य मनुष्य 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज तक की आवृत्ति की ध्वनि को सुन सकने में सक्षम होता है। ये भी दोस्तों इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन आवृत्ति को मापा जाता है। तो आवृत्ति को मापा जाता है दोस्तों किससे मापा जाता है, तो हर्ट्ज में मापा जाता है। किसमें मापा जाता है, हर्ट्ज में मापा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विद्युत शक्ति की इकाई है। तो विद्युत शक्ति की इकाई क्या है दोस्तों, तो वाट है। क्या हो जाएगा, वाट। विद्युत शक्ति देखिए दोस्तों P इक्वल टू होता है V इंटू I इक्वल टू W बाय G इंटू Q बाय T इक्वल टू W बाय 2 बराबर जूल बाय टाइम यानी सेकेंड। तो विद्युत शक्ति का ऐसा ही मात्रक जो होता है वो वाट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दृश्य स्पेक्ट्रम के तरंग धैर्य की सीमा है। तो दृश्य स्पेक्ट्रम के तरंग धैर्य की सीमा क्या है दोस्तों, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा 3900 एंगस्ट्रॉम से 7600 एंगस्ट्रॉम तक। इसके बारे में कुछ जान लेते हैं दोस्तों। दृश्य स्पेक्ट्रम प्रकाश के संबंध में कोई निश्चित सीमा रेखा निर्धारित करना कठिन है। यह व्यक्ति की उम्र, आँखों की क्षमता, प्रकाश स्रोत की दूरी एवं तीव्रता आदि बातों पर निर्भर करता है। सामान्य तौर पर इसकी सीमा 320 नैनोमीटर से 860 नैनोमीटर एंगस्ट्रॉम में यह मान 3200 एंगस्ट्रॉम से 8600 एंगस्ट्रॉम होगा तक मानी जाती है। अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी नासा ने इसकी सीमा 380 से 700 नैनोमीटर तक बताया है। एनसीईआरटी की पुस्तक में इसकी सीमा 400 से 700 नैनोमीटर लिखी गई है। अतः परीक्षार्थी प्रश्न के विकल्पों के अनुसार इस प्रास के भीतर निकटतम उत्तर का चयन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है सौर विकिरण निम्न में से किस प्रास में दिखता है। तो किस प्रास में दिखता है दोस्तों, इसका आंसर हो जाएगा 400 से 700 nm मतलब नैनोमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है दो कैंडेला का एक समधिक स्रोत जितना प्रकाश फ्लक्स पैदा करता है वह है, तो वह क्या है दोस्तों। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा 8 पाई लुमेन। क्या है, 8 पाई लुमेन। इसके बारे में कुछ हम लोग जान लेते हैं दोस्तों। ज्योति फ्लक्स प्रकाश फ्लक्स का एसआई मात्रक जो है वो ल्यूमेन है। ज्योति फ्लक्स को एफ से प्रदर्शित करते हैं। तो एफ इक्वल टू होता है 4 पाई I इक्वल टू 4 पाई × 2 इक्वल टू 8 पाई ल्यूमेन हो जाएगा। तो इस प्रकार दो कैंडेला का यहाँ पे मान निकाल के बताया गया दोस्तों। तो इस प्रकार दो कैंडेला का एक सामधिक स्रोत जितना प्रकाश फ्लक्स पैदा करता हुआ कितना है, 8 पाई ल्यूमेन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आर्द्रता किस उपकरण से नापी जाती है। आर्द्रता किस उपकरण से नापी जाती है दोस्तों, इसका आंसर हो जाएगा हाइग्रोमीटर से। किसे मापी जाती है, हाइग्रोमीटर से। तो हाइग्रोमीटर वायुमंडल के सामेक्षिक आर्द्रता का मापन करने वाला यंत्र है। और हाइड्रोमीटर से द्रवों जल के तुलनात्मक घनत्व का मापन किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दाब की इकाई क्या है। तो दाब की इकाई क्या है दोस्तों, तो दाब की जो इकाई है न्यूटन पर वर्ग मीटर है। क्या है, न्यूटन पर वर्ग मीटर। तो किसी तल के इकाई क्षेत्रफल पर लगने वाले बल को दाब कहते हैं, और दाब एक अदिश राशि है। दाब का मात्रक न्यूटन पर वर्ग मीटर होता है, जिसे पास्कल कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है दाब का मात्रक क्या है। तो दाब का मात्रक क्या है दोस्तों, दाब का जो मात्रक है देखिए उपयुक्त में से कोई नहीं है, तो उपयुक्त में से
एक से अधिक, तो एक से अधिक क्या होगा, चलिए इसको हम लोग व्याख्या देख लेते हैं। यहाँ पे हम लोग अभी पढ़े थे दाब का जो है, देखिए दाब की इकाई, और यहाँ पे पूछा गया दाब का मात्रक। तो दाब का मात्रक जो होगा दोस्तों, दाब का मात्रक है न्यूटन वर्ग मीटर। क्या है? न्यूटन वर्ग मीटर है। तो यहाँ पे जो है दोस्तों, एक से अधिक होगा इसका आंसर, ये हो जाएगा और आपका ये हो जाएगा, दो हो जाएगा, इसलिए दोस्तों सॉरी ये बी हो जाएगा। इसलिए यहाँ पे जो है एक या एक से अधिक ऑप्शन ई में दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी अदिश राशि है, कौन सी अदिश राशि है दोस्तों? तो इसका आंसर हो जाएगा दाब। दाब क्या है दोस्तों? अदिश राशि है, मतलब वे राशियाँ जिनको व्यक्त करने के लिए दिशा एवं परिमाण दोनों की आवश्यकता होती है, सदिश राशियाँ कहलाती है। उदाहरण बल, वेग, विस्थापन, त्वरण, संवेग आदि, जिन राशियों को व्यक्त करने के लिए केवल परिमाण की आवश्यकता होती है, दिशा की नहीं, उन्हें अदिश राशियाँ कहते हैं। उदाहरण आयतन, दाब, चाल, दूरी, ये सब क्या है? अदिश राशि है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी सदिश राशि नहीं है? तो याद रखिएगा दोस्तों, सदिश राशि और अदिश राशि से हमेशा सभी प्रकार के एग्ज़ाम में आते हैं दोस्तों, जहाँ पे जिसमें साइंस पूछा जाता है, सामान्य विज्ञान पूछा जाता है, उसमें सदिश अदिश से एक दो प्रश्न हमेशा पूछा जाता है। यहाँ पे पूछा गया निम्न में से कौन सी सदिश राशि नहीं है, तो गति जो है दोस्तों वो सदिश राशि नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि धरती की घूमने की गति घूर्णन बढ़ा दी जाए तो भूमध्य रेखा पर पिंड का वजन है, तो पिंड का वजन क्या होगा दोस्तों? ऑप्शन बी हो जाएगा, घट जाएगा। क्या होगा? घट जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस राशि का मात्रक नहीं है, किसका मात्रक नहीं है दोस्तों? तो विकृति, विकृति जो है इसका मात्रक नहीं है। इसके बारे में कुछ हम लोग देखते हैं, किसी वस्तु की बीमा में आया परिवर्तन और उस वस्तु की मूल बीमा के अनुपात को विकृति कहते हैं। विकृति एक बीमाहीन राशि है, अर्थात इसका कोई मात्रक नहीं होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस तरीके से एक वोल्ट व्यक्त किया जा सकता है, तो किस तरीके से एक वोल्ट व्यक्त किया जा सकता है दोस्तों? इसका आंसर हो जाएगा एक जूल प्रति कूलम। क्या हो जाएगा? एक जूल प्रति कूलम, मतलब एक वोल्ट को एक कूलम के विद्युत आवेश के प्रति जूल की ऊर्जा खपत के रूप में परिभाषित किया गया है। एक वोल्ट इक्वल टू एक जूल कूलम, अतः विकल्प ये सही है। यहाँ पर दिया गया, व्याख्या किया हुआ है दोस्तों। किसी ने कॉमेंट किया था दोस्तों कि साइंस के लिए भी बीपीएससी का जो सीडीपीओ का है वो प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन, साइंस का भी क्वेश्चन कराने के लिए, इसलिए हम दोस्तों हम ये सेशन लेके आए हैं। तो नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा न्यूटन के गति के तीसरे नियम का उपयोग करता है, मतलब कौन सा न्यूटन के गति के तीसरे नियम का उपयोग करता है? तो तीरंदाजी, तीरंदाजी जो है दोस्तों ये क्या करता है? न्यूटन के गति के तीसरे नियम का उपयोग करता है। मतलब न्यूटन का तीसरा नियम कहता है कि प्रत्येक क्रिया के लिए एक समान और विपरीत प्रतिक्रिया होती है। तीरंदाजी में न्यूटन के गति के इसी तीसरे नियम का उपयोग होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रासायनिक गुणों को अपवर्तित रखते हुए एक परमाणु के नाभिक में जोड़े जाने वाले कण हैं, क्या है दोस्तों? इसका आंसर हो जाएगा, ऑप्शन ये हो जाएगा, न्यूट्रॉन। क्या हो जाएगा? न्यूट्रॉन। इसके बारे में थोड़ा हम लोग जान लेते हैं दोस्तों। परमाणु के नाभिक में न्यूट्रॉन कण जोड़ने पर रासायनिक गुण अपवर्तित रहता है। नाभिक, नाभिकीय कण प्रोटॉन तथा न्यूट्रॉन से बने होते हैं। इस कण को हम लोग क्या कहते हैं? न्यूक्लियॉन्स कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक वस्तु का भार पृथ्वी की सतह पर मापने पर 100 न्यूटन आता है, इसका भार चंद्रमा की सतह पर मापने पर कितना होगा? तो कितना होगा दोस्तों? तो इसका आंसर हो जाएगा, क्या हो जाएगा? 16.7 एन हो जाएगा। क्या होगा? 16.7 न्यूटन। इसके बारे में देखिए दोस्तों, उत्तर कि पृथ्वी की तुलना में चंद्रमा पर गुरुत्वाकर्षण बल पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण बल का 1/7 गुना होता है, इसलिए चंद्रमा पर किसी वस्तु का भार पृथ्वी के भार का 1/6 होता है। तो भार इक्वल टू देखिए 1/6 पृथ्वी पर भार इंटू, इसके बाद तो पृथ्वी का भार जो है वो कितना है? 100 गुना है, तो 1/6 गुना 100, इसलिए
इसको हम लोग गुना करेंगे तो इतना आएगा 16.7 न्यूटन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सही कथन चुनिए। मतलब सही कथन को चुनने बोला जा रहा है दोस्तों, तो लाल प्रकाश का तरंग दैर्ध्य बैंगनी प्रकाश से ज़्यादा है, ये आपका जो है वो सही है। सही है दोस्तों कि लाल प्रकाश का तरंग दैर्ध्य बैंगनी प्रकाश से ज़्यादा है। इसके बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं, बैंगनी रंग का तरंग दैर्ध्य सबसे कम व आवृत्ति सबसे अधिक है, जबकि लाल रंग का तरंग दैर्ध्य सबसे अधिक है और आवृत्ति क्या है न्यूनतम होती है, मतलब दोनों का उल्टा है एक दूसरे का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब दिन में पानी पर साबुन की फिल्म दिखाई देती है तो यह सुंदर रंग दिखाती है, इस घटना का कारण है, इस घटना का कारण क्या है दोस्तों, तो इस घटना का जो कारण है वो है प्रकाश का व्यतिकरण। क्या है? प्रकाश का व्यतिकरण। बोलता है दिन में पानी साबुन की फिल्म प्रकाश किरने के व्यतिकरण के कारण रंगीन सुंदर दिखाई देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक परमाणु के केंद्र का धनावेशित हिस्सा कहलाता है, क्या कहलाता है? न्यूक्लियस कहलाता है। इसके बारे में थोड़ा हम जान लेते हैं कि एक परमाणु के केंद्र का धनावेशित हिस्सा नाभिक या न्यूक्लियस कहलाता है। नाभिक परमाणु का केंद्रक होता है, क्या होता है? नाभिक जो है दोस्तों परमाणु का केंद्रक होता है, और परमाणु के नाभिक में प्रोटॉन तथा न्यूट्रॉन क्या है दोनों अवस्थित रूप में न्यूक्लियॉन कहलाते हैं, और प्रोटॉन धनात्मक आवेशयुक्त मूलभूत कण है तथा न्यूट्रॉन जो है वो उदासीन होता है, जिस कारण नाभिक क्या होता है जिस कारण नाभिक धनावेशित होता है, और प्रोटॉन तथा न्यूट्रॉन का द्रव्यमान जो है तो 1.672 × 10^27 kg होता है, एवं इनकी खोज क्रमशः ई गोल्डस्टीन तथा जेम्स चैडविक द्वारा की गई थी। ये भी क्वेश्चन इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक ठोस के सीधे गैस में परिवर्तन को कहते हैं, तो एक ठोस के सीधे गैस में परिवर्तन को क्या कहते हैं दोस्तों? इसका आंसर हो जाएगा ऊर्ध्वपातन। क्या हो जाएगा? ऊर्ध्वपातन। इसके बारे में थोड़ा सा हम लोग जान लेते हैं, ऊर्ध्वपातन वह प्रक्रम है जिनके द्वारा ठोस पदार्थ द्रव में परिवर्तित हुए बिना ही सीधे गैसीय अवस्था में परिवर्तित हो जाते हैं तथा गैसीय अवस्था से सीधे ठोस अवस्था में आ जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वह ताप बिंदु जिस पर ठोस द्रव और गैसीय अवस्थाएं एक साथ रह सकती है वो क्या कहलाता है? तो वो जो है दोस्तों त्रिक बिंदु कहलाता है। क्या कहलाता है? त्रिक बिंदु कहलाता है। तो वह ताप बिंदु जिस पर ठोस द्रव और गैसीय अवस्थाएं एक साथ रह सकती है त्रिक बिंदु कहलाता है। उदाहरण स्वरूप 611.657 पास्कल आंशिक वायु दाब पर 273.16 के से मतलब है 0.01 डिग्री सेल्सियस जल का त्रिक बिंदु है, जिस पर द्रव जल ठोस बर्फ और जल वाष्प एक साथ पाए जा सकते हैं। कॉस्मिक किरणें, और कॉस्मिक किरणें क्या है दोस्तों? तो कॉस्मिक किरणें जो है वो आवेशित कण है। क्या है? आवेशित कण है। इसके बारे में थोड़ा जान लीजिए दोस्तों कॉस्मिक किरणें के बारे में, तो कॉस्मिक किरणें विद्युत चुम्बकीय स्पेक्ट्रम का भाग नहीं है, ये उच्च ऊर्जा के अवशेषित कण हैं जो अंतरिक्ष में लगभग प्रकाश की गति से गमन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 2G स्पेक्ट्रम में अक्षर जी किस शब्द के लिए प्रयुक्त है? तो किस शब्द के प्रयुक्त है दोस्तों, किस शब्द के लिए? तो जनरेशन के लिए, ऑप्शन सी इसका आंसर है। तो 2G दूसरी पीढ़ी की बेतार संचार प्रौद्योगिकी है, 2G स्पेक्ट्रम में अक्षर जी जनरेशन अर्थात पीढ़ी के लिए प्रयुक्त है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रडार का आविष्कार कौन था, आविष्कारक? तो रडार का आविष्कारक पूछा जा रहा है दोस्तों, तो रॉबर्ट वाटसन। तो रडार का जो आविष्कार किया था रॉबर्ट वाटसन ने किया था। इसके बारे में हम लोग थोड़ा जान लेते हैं दोस्तों, स्कॉटिश भौतिकविद रॉबर्ट वाटसन वाट ने वर्ष 1935 में पहला प्रायोगिक रडार व्यवस्था का विकास किया था। द्वितीय विश्व युद्ध में इस व्यवस्था का उपयोग हवाई हमलों से पूर्व सचेत करने के लिए किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गॉड पार्टिकल है, गॉड पार्टिकल क्या है दोस्तों? इसका आंसर हो जाएगा हिग्स बोसोन। क्या है? हिग्स बोसोन। इसके बारे में हम लोग थोड़ा जान लेते हैं, तो हिग्स बोसोन एक मूल कण है जिसकी प्रथम परिकल्पना वर्ष 1964 में की गई और इसका प्रायोगिक सत्यापन 14 मार्च 2013 को किया गया। वैज्ञानिक समुदाय के बाहर और मीडिया द्वारा अक्सर इस कण को ईश्वरीय कण या गॉड पार्टिकल
उपनाम से संदर्भित किया जाता है। हिग्स बोसोन कण की खोज करने वाले वैज्ञानिकों की जोड़ी ब्रिटेन के पीटर डब्ल्यू हिग्स तथा बेल्जियम के डब्ल्यू एंग्लर्ट को वर्ष 2013 के भौतिक विज्ञान के क्षेत्र के नोबेल पुरस्कार से पुरस्कृत किया जा चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सर सीवी रमन को भौतिकी का नोबेल पुरस्कार प्राप्त हुआ था तो कब प्राप्त हुआ था दोस्तों, सन 1930 ईस्वी में सर सीवी रमन को भौतिकी का नोबेल पुरस्कार प्राप्त हुआ था। इसके बारे में थोड़ा जान लेते हैं दोस्तों, भौतिकी शास्त्र के लिए नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाले पहले भारतीय डॉक्टर चंद्रशेखर वेंकट रमन थे। कौन थे, ये भी क्वेश्चन आता है दोस्तों, ये इम्पोर्टेंट है। तो चंद्रशेखर वेंकट रमन थे, कौन थे, भौतिक शास्त्र के पहले नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाले पहले भारतीय थे। उन्हें वर्ष 1930 में यह पुरस्कार प्राप्त हुआ। भारत से संबंध अन्य नोबेल पुरस्कार भी जीता है। देखिए यहाँ पे दिया हुआ व्यक्ति और विषय और नोबेल पुरस्कार कब मिला था, रविंद्रनाथ टैगोर को मिला था। इसको कब मिला था दोस्तों, इसको 1913 ईस्वी में मिला था, साहित्यिक क्षेत्र में मिला था। सी वी रमन को भौतिकी में 1930 में, हर गोविंद खुराना को जो मिला था दोस्तों चिकित्सा में 1968 में, सुब्रमण्यम चंद्रशेखर भौतिकी में 1983 में, और मदर टेरेसा को शांति में मिला था नोबेल पुरस्कार 1979 ईस्वी में, और अंतर्य सेन को मिला था अर्थशास्त्र में 1998 में, कैलाश सत्यवर्थी को शांति के लिए नोबेल पुरस्कार मिला था 2014 में, और फिर भी वी रामाकृष्णन रसायन में मिला था दोस्तों नोबेल पुरस्कार 2009 में, अभिजीत बनर्जी अर्थशास्त्र में 2019 में। दोस्तों अगर इसका किन्हीं को पीडीएफ चाहिए तो हमारा टेलीग्राम चैनल झारखंड फाइटर से जुड़ के आप ले सकते हैं। टेलीग्राम चैनल का लिंक दोस्तों ग्रुप में डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, वहाँ से आप जुड़ सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टेलीस्कोप की खोज किस वैज्ञानिक ने की थी, तो टेलीस्कोप की खोज किस वैज्ञानिक ने किया था दोस्तों, इसका आंसर हो जाएगा गैलीलियो ने किया था। किसने किया था, गैलीलियो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इस सदी की शुरुआत में हवाई जहाज़ का आविष्कारक किसने किया था, इस सदी के बारे में पूछा जा रहा है दोस्तों, तो इस सदी की शुरुआत में हवाई जहाज़ का आविष्कार किसने किया था, इसका आंसर हो जाएगा राइट ब्रदर्स। क्या हो जाएगा, राइट ब्रदर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक माइक्रोन बराबर है, तो एक माइक्रोन बराबर क्या है दोस्तों, तो 1/1000 मिलीमीटर, क्या है, 1/1000 मिलीमीटर, एक माइक्रोन बराबर। चाहे ऐसा भी हो सकता है दोस्तों, कभी कभी एक माइक्रोन बराबर ऑप्शन में अगर 10^-3 mm दिया हुआ रहे mm, तो ये भी आप, ये भी हो सकता है, या फिर 1/1000 मिलीमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 40 डिग्री सेल्सियस का मान फॉरेनहाइट स्केल में है, तो 40 डिग्री का सेल्सियस का मान दोस्तों फॉरेनहाइट में पूछा जा रहा है, तो इसका आंसर हो जाएगा 104 डिग्री फ़ारेनहाइट। क्या हो जाएगा, 104 डिग्री फ़ारेनहाइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्रोमेटोग्राफी की तकनीक का प्रयोग होता है, तो क्रोमेटोग्राफी की तकनीक का प्रयोग होता है दोस्तों, तो देखिए इसका आंसर नहीं दिया हुआ है, हम लोग यहाँ पढ़ते हैं उसके बाद आंसर पता चल जाएगा। तो किसी मिश्रण से विभिन्न पदार्थों को अलग करने में क्रोमेटोग्राफी तकनीक का प्रयोग होता है। क्रोमेटोग्राफी तकनीक का उपयोग मुख्यतः विटामिन और प्रोटीन के पृथक्करण में किया जाता है। प्रारंभ में क्रोमेटोग्राफी तकनीक का उपयोग पदार्थों को उनके रंग के आधार पर अलग करने के लिए किया जाता है। देखिए यहाँ पे ऑप्शन क्या दिया हुआ है, रंगीन पदार्थों के प्रभावित पदार्थों की संरचना निर्धारण और रंगीन पदार्थों की पहचान करने के लिए, एक मिश्रण से पदार्थों को अलग करने के लिए, इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों, क्या हो जाएगा, रंग के आधार पर अलग, ऑप्शन ये हो जाएगा, रंग, रंगीन पदार्थों की पहचान करने का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गति को सर्वप्रथम किसने परिभाषित किया, तो गति को सबसे पहले किसने परिभाषित किया दोस्तों, तो गैलीलियो ने किया। क्या, कौन ने, किसने किया, गैलीलियो ने किया। इसके बारे में थोड़ा हम लोग जान लेते हैं, गैलीलियो ने यही सर्वप्रथम एक समान रेखीय गति को परिभाषित किया था। उनके अनुसार प्रति इकाई समय में तय की गई दूरी को गति कहते हैं। तत्पश्चात न्यूटन ने पिंडों एवं वस्तुओं की गति का वर्णन करने के लिए गति के नियम प्रतिपादित किए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लोलक की कालावधि, कालावधि पूछा जा रहा है दोस्तों, लोलक की कालावधि, इसका आंसर हो जाएगा लंबाई के ऊपर निर्भर करती है। क्या है, लंबाई का, लंबाई के ऊपर निर्भर करती है। देखिए यहाँ पर दर्शाया गया, सरल लोलक की कालावधि
लोलक की लंबाई पर निर्भर करती है। टी इक्वल टू टू पाए अंडर रूट एल बाय जी, यहाँ पाए और जी जो है नियतांक है लोलक की, कालावधि लोलक की लंबाई एल के अनुक्रमानुपाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है बल गुणफल गुणनफल है, तो बल गुणनफल ऑप्शन बी हो जाएगा, द्रव्यमान और त्वरण का हो जो है वो क्या है गुणनफल है कौन बल। देखिए इसके बारे में थोड़ा सा, तो संवेग में परिवर्तन की दर को बल कहते हैं। यदि वस्तु का द्रव्यमान एम है वह यू वेग से गति करते हुए टी सेकंड बाद भी वेग प्राप्त करता है तो संवेग परिवर्तन की दर त्वरण इक्वल टू क्या होगा एम वी माइनस एम यू बटे टी। इसको आप लोग हो जाएगा एम इंटू, अगर कॉमन लेंगे एम को कॉमन ले लिया वी माइनस यू बाय टी, तो यहाँ पे देखिए दोस्तों इक्वल टू हो जाएगा क्या एम ए हो जाएगा, जहाँ ए को लिया है दोस्तों वी माइनस यू को क्या माना है वी माइनस यू बाय टी, इसको जो है दोस्तों ये ए मान लिया तो एम इंटू ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है त्वरण ज्ञात करने का सही सूत्र कौन सा है, तो त्वरण ज्ञात करने के लिए सही सूत्र पूछा जा रहा है तो ए इक्वल टू वी माइनस यू बाय टी हो जाएगा इसका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है अलग अलग द्रव्यमान की दो वस्तुएं चंद्रमा की सतह के पास स्वतंत्र रूप से गिरने से क्या होगा, तो क्या होगा दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा किसी भी क्षण एक ही वेग होगा, क्या होगा किसी भी क्षण जो है वो एक ही वेग लगेगा। इसका देखिए दोस्तों व्याख्या, जब कोई पिंड मुक्त अवस्था में गिरता है तो उसका वेग केवल गुरुत्वाकर्षण द्वारा उत्पन्न त्वरण पर निर्भर करता है पिंड के द्रव्यमान पर नहीं, अतः मुक्त रूप से गिरने वाली वस्तुओं का वेग किसी भी क्षण समान होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है वॉशिंग मशीन का कार्यकारी सिद्धांत क्या है, तो वॉशिंग मशीन का कार्यकारी सिद्धांत क्या है दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा अपकेंद्रण, क्या है अपकेंद्रण। इसके बारे में थोड़ा सा हम लोग जान लेते हैं, वॉशिंग मशीन अपकेंद्रण के सिद्धांत पर कार्य करती है, वह प्रतिक्रिया बल जो परिमाण में अभिकेंद्रीय बल के बराबर होता है परंतु जिसकी दिशा अभिकेंद्रीय बल के विपरीत अर्थात केंद्र से बाहर की ओर होती है अपकेंद्रीय बल कहलाता है। कपड़ा साफ करने की मशीन, दूध से मक्खन निकालने की मशीन आदि अपकेंद्रीय बल के सिद्धांत पर क्या करती है कार्य करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सी राशि सदिश नहीं है, तो यहाँ पे दोस्तों सदिश राशि नहीं पूछा जा रहा है तो इसका आंसर हो जाएगा आयतन, आयतन जो है वो सदिश राशि नहीं है, बाकी विस्थापन वेग और बल ये सब क्या है सदिश राशि है। इसके बारे में थोड़ा हम लोग देखिए जान लेते हैं कि सदिश राशियाँ वे राशियाँ होती है जो परिमाण के साथ साथ क्या करता है दिशा भी बदलती है, विस्थापन वेग बल ये सब क्या है सदिश राशियाँ है, और अदिश राशि वह राशि है जो केवल परिमाण बदलता है दिशा नहीं बदलता है दोस्तों, सिर्फ क्या बदलता है परिमाण बदलता है, इसलिए आयतन एक अदिश राशि है। नेक्स्ट क्वेश्चन है पदार्थ के संवेग और वेग के अनुपात से कौन सी भौतिक राशि प्राप्त की जाती है, तो कौन सी भौतिक राशि प्राप्त की जाती है दोस्तों द्रव्यमान, क्या हो जाएगा द्रव्यमान। इसके बारे में थोड़ा हम लोग जान लेते हैं दोस्तों, इसका व्याख्या थोड़ा देखिए, यदि किसी वस्तु का द्रव्यमान एम तथा वस्तु का वेग भी है तो उसका संवेग एम भी होगा, उसका संवेग इक्वल टू एम भी होगा, संवेग और वेग का अनुपात जो है पी बाय भी इक्वल टू एम भी बाय भी होगा इक्वल टू एम। नेक्स्ट क्वेश्चन है 1 किलोमीटर दूरी का तात्पर्य क्या है, तो 1 किलोमीटर दूरी का तात्पर्य दोस्तों 100 मीटर, ये आसानी है 1 मीटर बराबर 100, 1 किलोमीटर बराबर 100 मीटर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है देखिए यहाँ पे दिया गया है 1 किलोमीटर की दूरी बराबर 100 मीटर, 100 मीटर बराबर 1 हेक्टोमीटर, 1000 सेंटीमीटर इक्वल टू 1 डेकोमीटर, 100 सेंटीमीटर बराबर 1 मीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है 1 पिकोग्राम बराबर होता है, तो 1 पिकोग्राम बराबर क्या होता है दोस्तों, तो 10^-12 ग्राम के, क्या होता है 10^-12 ग्राम के 1 पिकोग्राम के बराबर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आप एक लिफ्ट में खड़े हैं, लिफ्ट के फर्श पर आपके भार द्वारा लग रहा है बल क्या कहलाएगा दोस्तों, इसका आंसर हो जाएगा लिफ्ट के 9.8 m/s² के त्वरण से नीचे आते समय 0 होगा, क्या होगा 0 होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है अच्छा इसके बारे में थोड़ा देख लीजिए, लिफ्ट के 9.8 m/s² के त्वरण से नीचे आते समय लिफ्ट के फर्श पर व्यक्ति का दबाव नहीं पड़ता, अतः उस समय फर्श पर उसके द्वारा लग रहा बल क्या होता है वो 0 हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है यदि एक पंख, एक रबर की गेंद और एक लकड़ी की गेंद निर्वत
निर्वात में एक समान ऊंचाई से स्वतंत्रता पूर्वक एक साथ गिर रहे हैं। तो क्या होगा दोस्तों, तीनों एक साथ जमीन पर पहुंचेंगे। क्या होगा, तीनों एक साथ जमीन पर पहुंचेगा। इसके बारे में थोड़ा जान लेते हैं दोस्तों। निर्वात की स्थिति में वायु प्रतिरोध शून्य होने के कारण पंख, रबर की गेंद और लकड़ी के गेंद एक समान ऊंचाई से स्वतंत्रता पूर्वक एक साथ गिराए जाने पर तीनों एक साथ जमीन पर पहुंचेंगे, क्योंकि उनका अंतिम जो वेग है दोस्तों क्या है, v=√2gh उनके द्रव्यमान से स्वतंत्र होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रकाश की गति किसके बीच से जाते हुए न्यूनतम होगी। प्रकाश की गति किसके बीच से जाते हुए न्यूनतम होगी दोस्तों, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा, कांच। क्या हो जाएगा, कांच। जिस वस्तु या पदार्थ का अपवर्तनांक ज़्यादा होता है उसमें प्रकाश की गति न्यूनतम होती है। कांच, निर्वात, जल तथा वायु में से कांच का अपवर्तनांक सबसे ज़्यादा होता है, इसलिए प्रकाश की गति कांच में क्या होती है, न्यूनतम होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रकाश का वर्ण विक्षेपण संभव है प्रिज्म द्वारा। कैसे संभव है दोस्तों, प्रिज्म द्वारा प्रकाश का वर्ण विक्षेपण संभव है प्रिज्म द्वारा। इसके बारे में थोड़ा देखिए, जब सूर्य का श्वेत प्रकाश किसी प्रिज्म से होकर गुजरता है तो यह अपवर्तन के पश्चात प्रिज्म के आधार की ओर झुकने के साथ साथ प्रकाश के अवयवी वर्णों में विभाजित हो जाता है। इस प्रक्रिया को प्रकाश का वर्ण विक्षेपण कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 20 सेंटीमीटर फोकस दूरी के एक उत्तल लेंस की सतह पर सफ़ेद घोड़े का प्रतिबिंब बनाने के लिए बड़ी संख्या में काले रंग की पतली पट्टियों बनाई जाती है, वह प्रतिबिंब कैसा होगा। तो कम चमक वाला एक घोड़ा, ऑप्शन ये हो जाएगा दोस्तों, कम चमक वाला एक घोड़ा। इसका व्याख्या देखिए दोस्तों, तो 20 सेंटीमीटर फोकस दूरी से एक उत्तल लेंस की सतह पर सफ़ेद घोड़े का प्रतिबिंब बनाने के लिए बड़ी संख्या में काले रंग की पतली पट्टियाँ बनाई जाती है। काली पट्टियाँ केवल प्रकाश की तीव्रता को कम करती है लेकिन कोई छाया नहीं डालती, क्योंकि वह काफ़ी पतली होती है, इसलिए कम चमक वाले एक घोड़े का प्रतिबिंब बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ध्वनि की तीक्ष्णता किसके द्वारा निर्धारित की जाती है। किसके द्वारा निर्धारित की जाती है दोस्तों, इसका आंसर हो जाएगा ध्वनि का तरंग दैर्ध्य। क्या होगा, ध्वनि का तरंग दैर्ध्य। इसका व्याख्या देखिए, किसी एकांक क्षेत्रफल से एक सेकंड में गुजरने वाली ध्वनि ऊर्जा को ध्वनि की तीव्रता कहते हैं। सामान्यतः प्रबलता तथा तीव्रता को आपस में पर्यायवाची समझ लिया जाता है, परंतु वास्तव में ऐसा नहीं होता। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा फोटो इलेक्ट्रिक उपकरण डिजिटल अनुप्रयोगों के लिए सबसे उपयुक्त है। कौन सा उपकरण दोस्तों डिजिटल अनुप्रयोगों के लिए क्या सबसे उपयुक्त है, इसका आंसर हो जाएगा फोटो वोल्टिक सेल, ऑप्शन बी हो जाएगा फोटो वोल्टिक सेल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बॉल बेयरिंग का उपयोग स्थैतिक घर्षण को निम्नलिखित में से किसमें परिवर्तित करने के लिए किया जाता है, इसका आंसर हो जाएगा रोलिंग घर्षण। क्या हो जाएगा, रोलिंग घर्षण। इसके बारे में थोड़ा जान लीजिए दोस्तों, बॉल बेयरिंग छोटी गेंदनुमा गोलाकार संरचना है। एक गेंद में संपर्क की सतह सिर्फ एक बिंदु होता है, जिसके परिणाम स्वरूप बहुत कम रोलिंग घर्षण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फुटबॉल के खेल में एक गोलकीपर फुटबॉल को गोल में पकड़ने के बाद अपने हाथों को पीछे की ओर खींचता है, यह गोलकीपर को किस प्रकार सक्षम बनाता है, इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन ए, संवेग परिवर्तन की दर को कम करने में। क्या करता है, संवेग परिवर्तन की दर को कम करने में, मतलब अपने हाथों को पीछे की ओर खींचकर गोलकीपर गेंद को पकड़ने का समय बढ़ा देता है। समय बढ़ाकर वह इस गेंद पर लगने वाले बल संवेग परिवर्तन की दर को क्या करता है, कम कर देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अनुदैर्ध्य तरंगों का उदाहरण है, तो अनुदैर्ध्य तरंगों का उदाहरण क्या है दोस्तों, तो ध्वनि तरंग है, ऑप्शन बी हो जाएगा ध्वनि तरंग। तो किसी माध्यम में आंतरिक तरंग के संरचित होने पर अधि माध्यम के कण तरंग के संरचना की दिशा के समांतर कंपन करते हैं तो उस तरंग को अनुदैर्ध्य तरंग कहते हैं, ध्वनि तरंग अनुदैर्ध्य तरंग होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब एक ध्वनि तरंग एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है तो वह राशि जो अपवर्तित रहती है, इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों आवृत्ति, उसे क्या कहलाता है,
आवृत्ति कहलाता है। बोलता है ध्वनि एक स्थान से दूसरे स्थान तक तरंगों के रूप में गमन करती है। ध्वनि तरंग अनुदैर्ध्य आंतरिक तरंग होती है। जब ध्वनि एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है तो ध्वनि की चाल तथा तरंग दैर्ध्य बदल जाता है, जबकि आवृत्ति नहीं बदलती। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वायु में ध्वनि तरंग होती है। तो वायु में ध्वनि तरंग दोस्तों क्या होती है? अनुदैर्ध्य। क्या होती है? अनुदैर्ध्य होती है। तब ध्वनि तरंगें आंतरिक तरंगें कहलाती है, क्योंकि उनके संरचन के लिए, संचरण के लिए द्रव्यात्मक माध्यम, ठोस द्रव या गैस वायु की आवश्यकता होती है। वायु या गैस में ध्वनि तरंग अनुदैर्ध्य होती है, क्योंकि इस माध्यम के घटक तरंग की गति की दिशा के अनुदिशा दोलन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रेत और नेफ्थेलिन के मिश्रण को किसके द्वारा पृथक किया जा सकता है? इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों ऊर्ध्वपातन या फिर सब्लिमेशन। ऊर्ध्वपातन या फिर सब्लिमेशन इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विद्युत शक्ति की इकाई है। तो विद्युत शक्ति की इकाई क्या है दोस्तों? वाट। क्या है? वाट। देखिए, भौतिक में शक्ति या विद्युत शक्ति की वह दर है जिस पर कोई कार्य किया जाता है या ऊर्जा संचरित होती है। शक्ति P बराबर दोस्तों कार्य बटे समय। शक्ति बराबर होता है कार्य बटे समय। P बराबर W/T। विद्युत शक्ति की इकाई वाट है, जो जूल प्रति सेकंड के बराबर होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? कौन सा सही सुमेलित नहीं है दोस्तों? तो गैल्वेनोमीटर, विद्युत प्रतिरोध, ये जो है आपका ये सही नहीं है। देखिए व्याख्या किया हुआ है यहाँ पे, मतलब गैल्वेनोमीटर का प्रयोग एक छोटी विद्युत धारा को रिएक्टर करने हेतु किया जाता है। विद्युत प्रतिरोध का मापन ओम मीटर द्वारा किया जाता है। अन्य प्रश्नगत उग्म सुमेलित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टर्बाइन एवं डायनेमो से बिजली प्राप्त करने में किस ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करते हैं? इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों, मैकेनिकल ऊर्जा को क्या करता है? उसको विद्युत ऊर्जा में दोस्तों परिवर्तन करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एलईडी के संदर्भ में कौन सा कथन गलत है? यहाँ पे एलईडी के संदर्भ में कौन सा कथन गलत पूछा जा रहा है दोस्तों? तो एलईडी प्रकाश स्रोत ऊर्जा की कम खपत करते हैं, ये आपका सही है। एलईडी प्रकाश बल्बों से अधिक अवधि तक कार्य करते हैं, ये भी सही है। एलईडी में पारा प्रयुक्त होता है जो मनुष्यों के लिए हानिकारक है, ये आपका सही नहीं है। तो क्वेश्चन के अनुसार दोस्तों आंसर ऑप्शन सी होगा। एलईडी का ट्रैफिक सिग्नल लाइटों में प्रयोग किया जाता है। इसका व्याख्या देख लीजिए, एलईडी प्रकाश उत्सर्जक डायोड एक अर्धचालक उपकरण है जो विद्युत धारा प्रवाहित होने पर प्रकाश उत्पादन करता है। इसके मिश्रण में गैलियम फॉस्फाइड, इंडियन गैलियम नाइट्राइड आदि का उपयोग किया जाता है। इसमें पारा का उपयोग नहीं किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन से फोटोइलेक्ट्रिक उपकरण डिजिटल अनुप्रयोगों के लिए सबसे उपयुक्त है? इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों फोटोवोल्टिक सेल। क्या हो जाएगा? फोटोवोल्टिक सेल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, केंद्राभिमुखी बल किसके लिए जिम्मेदार है? तो केंद्राभिमुखी बल किसके लिए जिम्मेदार है दोस्तों? इसका आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, वस्तु को वृत्ताकार पथ पर गतिमान रखना। तो एक समान वित्तीय गति में गति स्थिर होती है लेकिन दिशा बदलती है। दिशा वेग बदलने के लिए जिस बल की आवश्यकता होती है उसे अभिकेंद्र बल कहते हैं। उदाहरण के लिए, यदि किसी डोरी से बंधे हुए पत्थर को कोई व्यक्ति घुमाता है तो वहाँ केंद्राभिमुखी बल कार्य करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस ऊर्जा परिवर्तन में घर्षण बल शामिल होता है? इसमें होता है दोस्तों, इसका आंसर हो जाएगा गतिज ऊर्जा से ऊष्मा ऊर्जा में। ऑप्शन ये हो जाएगा, गतिज ऊर्जा से ऊष्मा ऊर्जा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक बस सीधे रास्ते पर चल रही है और अचानक दाईं ओर एक तेज मोड़ लेती है। बस में बैठे यात्री क्या होगा दोस्तों? बाईं ओर झुकेगी। तब बस सीधे रास्ते पर चल रही है और अचानक दाईं ओर एक तेज मोड़ लेती है तो उसका उल्टा झुकेगा। अगर वो दाईं लेगा तो बाईं की ओर झुकेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक संगीत कार्यक्रम में ऑर्केस्ट्रा बजाने से पहले एक सितार
वादक तनाव को समायोजित करने की कोशिश करता है और स्ट्रिंग को उपयुक्त रूप से बांधता है। ऐसा करके वह क्या ठीक करने की कोशिश करता है? इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों, क्या हो जाएगा? ऑप्शन ये हो जाएगा। क्या करता है? अन्य वाद्य यंत्रों की आवृत्ति के साथ सितारा स्ट्रिंग की आवृत्ति, ऑप्शन ये हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 100 वाट का बिजली का बल्ब यदि 10 घंटे जले तो बिजली का खर्च होगी। अगर 100 वाट का बिजली का बल्ब यदि 10 घंटे जले तो कितना बिजली का खर्च होगा दोस्तों? तो इसका आंसर हो जाएगा 1 इकाई, ऑप्शन बी हो जाएगा। कितना खर्चा होगा? 1 इकाई। इसको थोड़ा सा देखिए दोस्तों, यदि 100 वाट का बल्ब 10 घंटे चले तो 1 इकाई बिजली बोला जा रहा है कि कितना खर्च होगा। तो यूनिट इकाई इक्वल टू होता है 100 गुने, देखिए वाट है 100 और 10 घंटा, तो 100 गुने तो हो गया 1000 वाट घंटा इक्वल टू किलो वाट घंटा, तो 1 यूनिट हो गया इसके बराबर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 2 समानांतर प्रतिरोध वाले सर्किट का कुल प्रतिरोध 1.403 किलो ओम है। यदि एक प्रतिरोधक का मान 2.0 किलो ओम है तो दूसरे प्रतिरोधक का मान क्या होगा? इसका आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा दोस्तों, 4.70 किलो ओम। देख लीजिए दोस्तों, यहाँ पे ये करके बताया गया है, कैलकुलेशन करके आप लोग देख लीजिएगा। इसका PDF डाल दिया जाएगा टेलीग्राम चैनल में, वहाँ से आप लोग देख लीजिएगा इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक उत्तल लेंस की फोकस दूरी FL इक्वल टू 10 सेंटीमीटर है, पानी में इसे डुबोने पर यह कार्य करेगा, तो क्या कार्य करेगा? तो ऑप्शन सी हो जाएगा दोस्तों, FL लेस देन 10 सेंटीमीटर के एक उत्तल लेंस की तरह। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हालांकि दृश्य प्रकाश में जल पारदर्शक होता है, दूरस्थ वस्तुओं को जल की महीन बूंदों से निर्मित कोहरे में नहीं देखा जा सकता। यह इसलिए होता है क्योंकि, इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन बी हो जाएगा, क्योंकि अधिकतर प्रकाश बिखरकर आभासी अस्पष्टता निर्मित करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक वर्णी प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करता है, निम्नलिखित में से कौन सा गुण नहीं बदलता है? कौन सा गुण नहीं बदलता है दोस्तों? आवृत्ति, इसका आंसर आवृत्ति हो जाएगा। ये जो है दोस्तों नहीं बदलता है इसका गुण। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक सामान्य शुष्क सेल में विद्युत अपघट्य होता है, इसका आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, अमोनियम क्लोराइड। क्या होता है? अमोनियम क्लोराइड। एक सामान्य सेल में अमोनियम क्लोराइड या जिंक क्लोराइड को विद्युत अपघट्य के रूप में प्रयुक्त किया जाता है तथा मैग्नीज डाइऑक्साइड को कैथोड के रूप में प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डायनेमो, डायनेमो क्या है दोस्तों? तो डायनेमो जो है आंतरिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में क्या करता है? परिवर्तित करता है। ऑप्शन बी हो जाएगा, डायनेमो आंतरिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तन करता है। तो डायनेमो एक ऐसा यंत्र है जो आंतरिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित कर देता है। डायनेमो में आर्मेचर चुंबकीय बल क्षेत्र में घूर्णन करता है, जिससे क्या होता है? विद्युत चुंबकीय प्रेरण के कारण इलेक्ट्रोमैग्नेटिक बल उत्पन्न होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विद्युत मोटर, तो विद्युत मोटर क्या है दोस्तों? तो विद्युत मोटर जो है वो विद्युत ऊर्जा को आंतरिक ऊर्जा में बदल देता है। ऑप्शन सी हो जाएगा इसका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 100 डेसिबल का प्रबलता स्तर संगत होता है, 100 डेसिबल का प्रबलता स्तर संगत होता है एक मशीन शॉप से आने वाले शोरगुल के। क्या होता है? एक मशीन शॉप से आने वाले शोरगुल के। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक क्षैतिज वृत्त में स्थिर चाल से घूम रहे पिंड के लिए निम्नलिखित में से कौन सा स्थिर रहेगा? इसका आंसर गतिज ऊर्जा हो जाएगा। क्या हो जाएगा? गतिज ऊर्जा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कुकिंग ताप पर स्थिर रहने वाला कैलोरीन युक्त कृत्रिम स्वीटनर जिसका रूप तथा स्वाद शक्कर की तरह होता है निम्नलिखित में से कौन सा है? कौन सा है दोस्तों? सुक्रालोज, ऑप्शन सी हो जाएगा, सुक्रालोज। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दृष्टि की खराबी निकट दृष्टि को किस नाम से जाना जाता है?
दृष्टि की खराबी, निकट दृष्टि को किस नाम से जाना जाता है दोस्तों? इसका आंसर हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन ई दिया हुआ है, उपयुक्त में से कोई नहीं या फिर इससे अधिक। चलिए इसका व्याख्या हम लोग पढ़ते हैं। बोलता है कि निकट दृष्टि को मायोपिया कहते हैं। इस रोग से पीड़ित व्यक्ति नज़दीक की वस्तु को आसानी से देख सकता है परंतु दूर स्थित वस्तु को नहीं देख पाता। यह समस्या नेत्र लेंस की फोकस दूरी घट जाने, लेंस की गोलाई बढ़ने तथा लेंस की क्षमता में वृद्धि के कारण होती है। इसके निवारण के लिए उचित फोकस दूरी के अवतल लेंस का प्रयोग किया जाता है। तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों, क्या हो जाएगा इसका आंसर? उपयुक्त में से कोई नहीं, ऑप्शन ई हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मायोपिया वह बीमारी है जिसमें व्यक्ति देख नहीं पाता है। कौन सा बीमारी है दोस्तों? दूर की वस्तुएं स्पष्ट रूप से क्या करता है? नहीं देख पाता। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निकट दृष्टि दोष किसके प्रयोग से उपचारित किया जा सकता है? देखिए दोस्तों, ये क्वेश्चन UPSC CDPO में पूछा गया 2018 में। तो निकट दृष्टि दोष किसके प्रयोग से उपचारित किया जा सकता है? इसका आंसर हो जाएगा अवतल लेंस द्वारा, ऑप्शन बी हो जाएगा, अवतल लेंस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अवतल दर्पण द्वारा बनाया गया प्रतिबिंब वास्तविक उल्टा और वस्तु के आकार के बराबर होता है, वस्तु की स्थिति कैसी होना चाहिए? तो वक्रता के केंद्रों पर होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विद्युत धारा निम्न में से किस उपकरण से नापी जाती है? तो विद्युत धारा किस उपकरण से नापी जाती है दोस्तों? तो विद्युत धारा जो है दोस्तों एमीटर से नापी जाती है। देखिए दोस्तों, एमीटर विद्युत धारा मापक यंत्र है। पोटेंशियोमीटर किसी सेल के EMF का मापन करने वाला उपकरण है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विद्युत धारा किस उपकरण से नापी जाती है? तो विद्युत धारा जो है एमीटर से मापी जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फोटोइलेक्ट्रिक सेल एक ऐसा उपकरण है जो कि, तो कैसा उपकरण है दोस्तों? फोटोइलेक्ट्रिक सेल प्रकाश ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में क्या करता है? बदल देता है। प्रकाश ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रकाश में 7 रंग होते हैं, रंगों को अलग करने का क्या तरीका है? तो क्या तरीका है दोस्तों? एक प्रिज्म से रंगों को अलग किया जा सकता है, ऑप्शन ये इसका आंसर हो जाएगा। एक प्रिज्म से रंगों को क्या करना है? अलग अलग किया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रकाश वर्ष का संबंध है। तो प्रकाश वर्ष का संबंध है दोस्तों दूरी से, किसे है? दूरी से। देखिए, प्रकाश वर्ष खगोलीय दूरी का मापक है जिसका प्रयोग तारों और ग्रहों के बीच की दूरी का आकलन करने के लिए किया जाता है। एक प्रकाश वर्ष बराबर दोस्तों प्रकाश द्वारा निर्वत में एक वर्ष में तय की गई दूरी होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि किसी एनक के लेंसों की शक्ति +2 डायोप्टर हो तो इसकी फोकस दूरी होगी, इसकी फोकस दूरी क्या होगी दोस्तों? 50 सेंटीमीटर होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देख लीजिए इसका व्याख्या। लेंस की क्षमता का ऐसा ही मात्रक डायोप्टर है जिसे प्रतीक डी द्वारा दर्शाया जाता है। यदि फोकस एफ को मीटर में व्यक्त करें तो 1 डी = 1 मीटर - -1 है। इस प्रकार उस लेंस की क्षमता को 1 डी कहते हैं जिसका फोकस दूरी 1 मीटर है। अभिसारी लेंस की क्षमता धनात्मक तथा अपसारी लेंस की क्षमता ऋणात्मक होती है। तो फोकस दूरी देखिए दोस्तों, एफ बराबर क्या होता है? 1/ लेंस की क्षमता या 1/d = 1/2 = 0.5 मीटर या फिर 50 सेंटीमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चुंबकीय सुई किस तरफ संकेत करती है? चुंबकीय सुई किस तरफ संकेत करती है? इसका आंसर हो जाएगा उत्तर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चुंबकत्व का अनचुंबकीय सिद्धांत निम्न में से किसके द्वारा प्रदर्शित होता है? इसका आंसर हो जाएगा प्लैटिनम, क्या हो जाएगा? प्लैटिनम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पित्तल एक मिश्र धातु है। पित्तल एक मिश्र धातु है दोस्तों जस्ता तथा तांबा का, किसका है? जस्ता और तांबा का। ये भी देखिए दोस्तों, ये भी क्वेश्चन CDPO 2018 में पूछा गया है, बिहार CDPO में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, श्वेत प्रकाश को नली में कैसे उत्पन्न करते हैं? कैसे उत्पन्न करते हैं दोस्तों? तो तंतु को गर्म करके, ऑप्शन बी हो जाएगा, तंतु को गर्म करके। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
आइंस्टीन को नोबेल प्राइज़ किस कार्य पर मिला? तो आइंस्टीन को नोबेल प्राइज़ किस कार्य पर मिला दोस्तों? इसका आंसर हो जाएगा प्रकाश विद्युत प्रभाव। प्रकाश विद्युत प्रभाव के कार्य पे दोस्तों इनको नोबेल प्राइज़ मिला। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आपेक्षिकता का सिद्धांत इनमें से किस वैज्ञानिक ने प्रस्तुत किया? किसने प्रस्तुत किया दोस्तों? अल्बर्ट आइंस्टीन ने। ऑप्शन ये हो जाएगा अल्बर्ट आइंस्टीन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विद्युत उत्पन्न करने के लिए कौन सी धातु का उपयोग होती है? तो विद्युत उत्पन्न करने के लिए दोस्तों यूरेनियम धातु का उपयोग होती है। मतलब विद्युत उत्पन्न करने में यूरेनियम धातु का उपयोग होता है। यूरेनियम धातु का उपयोग नाभिकीय रिएक्टर में ऊर्जा के उत्पादन हेतु किया जाता है। तो आज का सेशन दोस्तों यहीं पर समाप्त होता है। इस सेशन कैसा लगा आप लोग कॉमेंट करके ज़रूर बताइएगा, ताकि हम नेक्स्ट सेशन पढ़ा सकें। थैंक यू।